So guys, major flop. Start from landfill. This one is $89. Indian food. Hi friends, welcome back. तो कैसे हैं आप सब लोग? तो most of you know कि मैं ऑरलैंडो आई हुई हूँ क्योंकि मेरे भाई का शादी है. तो आज हम लोग जा रहे हैं. जब ऑरलैंडो आए हैं डेफिनेटली वी हैव टू गो टू डिज्नीलैंड. अभी डिज्नीलैंड तो हम लोग बहुत बार आ चुके हैं. तो डिज्नीलैंड का जैसे कि बहुत सारे थीम पार्क होते हैं ना, सो टुडे वी आर गोइंग टू हॉलीवुड स्टूडियो बिकॉज राय की एज के लिए इट्स परफेक्ट. पहले एक्चुअली सोच रहे थे सिर्फ मैं और राय जाएंगे. हम दोनों ने अपने लिए टिकट कट किया था बिकॉज यू नो पता नहीं अभी सीधी इन अ स्टेज. मैनी ऑफ यू विल एग्री कि 6 महीने के बच्चों को क्या समझ में आता है. तो सुबह उठे ना, फिर शौमिक को भी जाने का मन करा बिकॉज वी आर इन वेकेशन पे है ना, सब लोग एक साथ जाए. तो मैंने शौमिक को बोला चलो यार कुछ नहीं होगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तुम लोग दोनों जल्दी आ जाना, मैं और राय रहेंगे, हम लोग बाद में आएंगे. तो वही आज जाएंगे एंड आई विल शो यू अराउंड कैसा है. तो एक ही प्रॉब्लम है, सीट जब भी ये कार सीट में बैठते हैं ना इतना रोता है. लकीली एवरीथिंग सभी कुछ 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है. तो हर बार तो लक आपका साथ नहीं देगा एंड हम लोग के साथ यही हुआ. जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड बादल देख के मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि इट स्टार्टेड रेनिंग लाइक क्रेजी. एंड ये साइन देख के हाउ मेनी ऑफ यू फील एक्साइटेड एंड हैप्पी. तो हम लोग पहुंच गए डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियो में पर इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है. इट सीम्स स्टिल 1 बारिश होगा, तो 1 या 2 पता नहीं. तो क्या करेंगे, शायद कार में ही बैठे रहेंगे. तो हम लोग ऑटो प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज़ इट विल बी क्लोज टू द एंट्री क्योंकि सीध है. स्टैंडर्ड करते हैं तो इट्स 25 where you have to park and feel walk and go. Guys, major flop. यहाँ पे बहुत ही dangerous ठंडी है and मैं ऐसे आ गई. So मैंने आज एक full summer का dress पहना था and उसके साथ ना मैंने एक net का like बहुत ही light net का shrug लिया था. Oh my god. Shaumik हंस रहे हैं and Shaumik full pant and all pant के आए. एंड सीध के लिए भी ना लाइक मुझे लगा कि चलो मैं कुछ लाइट कपड़ा पहनाती हूँ, इतना तो गर्मी होगा. तो ओ माय गॉड, जो भी हो अभी तक मेरा ड्रेस इज टोटली फ्लॉप. यहाँ पे आओगे तो आई फील बिकॉज इट्स ओपन ना, हर वक्त यू विल फील लिटिल बिट कोल्ड एंड बिकॉज अभी बारिश हुआ है ना. तो चलिए चलते हैं. राय भी बहुत चालू है. कार में ना शौमिक का जैकेट था वो उसने पहन लिया, तो मैं अंदर जाके कुछ खरीद लूंगी. तो हम लोगों का जितना सारा जोश था बारिश की वजह से हाफ हो गया. बट हाँ, वन थिंग वॉज गुड बिकॉज इट वॉज रेनिंग ना, तो बहुत ही लेस क्राउड था, नहीं तो एंट्री पे ही बहुत सारा टाइम चला जाता है. बट दे डिडंट गिव अस, एक मैप होता है ना, वो लोग ने कुछ भी मैप नहीं दिया हम लोगों को. एंड थोड़ा सीध को लेकर टेंशन भी हो रहा था, तो हम लोगों को लगा कि चलो एक पोंचो खरीद लेते हैं ताकि हम लोग सीध के स्ट्रॉलर को ना थोड़ा कवर कर पाए. एंड डिज्नी में तो कपड़ा एक्सपेंसिव है ही, पर मुझे लगता है यहाँ पे ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है. इतना ठंडी लग रहा था ना एंड सीध के लिए भी मुझे लगा कल इतना गर्मी था एंड आज भी एक्चुअली द टेम्परेचर इज 25, तो हम मुझे लगा यू नो गर्मी लगेगा इसको, मैं कुछ हल्का पहनाती हूँ. सो आई डिडंट गेट एनीथिंग. तो फिर यहाँ पे ना दिस इज़ लाइक हॉलीवुड स्टूडियो है ना, यहाँ पे इतने छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं है. फिर राय ने एक टी शर्ट खरीदा, मैंने भी खरीदा. यू वांट बिलीव इट इज़ एक का $89.90 है. सो वी वर लिटिल बिट कन्फ्यूज कहाँ पे जाए. जैसे मैं बोल रही थी दे डिडंट गिव अस अ मैप एंड आसपास में कहीं भी मैप नहीं मिल रहा था. तो फाइनली हम लोग स्टार वॉर लैंड आ गए. तो फर्स्ट राइड हम लोग कर रहे हैं, शायद स्टार वॉर्स में 1 या 2 राइड ही है. एंड एक्चुअली एक चीज भी अच्छा है, बिकॉज ऑफ रेन ज्यादा क्राउडेड नहीं है, ओनली 5 मिनट्स वेट है विच इज नथिंग. मुझे पता है मेनी ऑफ माई व्यूअर्स आर स्टार वॉर फैंस, सो डेफिनेटली जो लोग स्टार वॉर फैन है वो लोग हॉलीवुड स्टूडियो में आना. हम लोग इसी वजह से आए हैं बिकॉज ऑफ राय हु इज अ स्टार वॉर फैन. जो लोग
स्टार वॉर्स के फैन है जल्दी जल्दी कमेंट पे लिखो एंड हाँ इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो राइड बहुत ही अच्छा था। तो अभी मेरे बाबा शॉमी को रेस्टोरेंट में है। तो सिद ने अच्छी तरीके से मिल्क भी पी लिया एंड ही वॉज क्वाइट नाइस। तो एक्चुअली अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं स्टार वॉर लैंड एंड मैंने स्टार वॉर का थोड़ा एक दो सीरीज देखा था तो इट वॉज टोटली लुकिंग लाइक इट। काफी अमेजिंग वो लोग ने किया था। सो अभी हम लोग स्टार वॉर लैंड में हैं एंड यहाँ पे आएंगे तो स्टार वॉर लैंड पे यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आएंगे तो कैसा लगता है ना। आई डोंट नो एनीथिंग ना मुझे यार, जो लोग को स्टार वॉर पसंद है तुमको पसंद होगा बॉटम लाइन, आ जाओ। सो अभी वी हैव एंटर्ड बाजार। लाइक स्टार वॉर में बाजार एरिया है ना, दे हैव रिक्रिएटेड द सेम थिंग। हाँ मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने स्टार वॉर्स का एक दो सीरीज देखा था। सो दिस इज द बाजार, वो बाजार एरिया होता है ना जहाँ पे वो लोग दिखाते हैं। सो दे हैव मेड द सेम थिंग एंड इफ यू वांट आई थिंक सो यू कैन मेक लाइट सेवर ऑल्सो। पर ट्रस्ट मी यहाँ पे एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव ना। ये सी $79 का मैंने खरीदा। सो ओवरऑल हम लोगों का लक फिर से अच्छा था कि व्हेन वी रीच देयर थोड़ा देर बाद बारिश कमती हो गया था एंड बाजार एरिया है मतलब देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स यू कैन परचेज, बट हम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा। सो दिस इज द फेमस मिलेनियम फैल्कन, अगर मैंने गलत बोला है तो कमेंट पे लिखना। तो यहाँ पे और एक राइड है तो शॉमिक तो नहीं करेंगे एंड वेट इज 90 मिनट्स। पर अगर यू आर सिंगल राइडर तो अभी हो जाएगा। तो राइड बहुत चालू है, राइड बस मैं चली जाती हूँ। शी डिड इट, शी विल डू इट अलोन, लाइक शी विल बी विद समवन एल्स। या इट्स इफ शी कैन डू इट। मैं सिर्फ ये कैरेक्टर को जानती हूँ क्योंकि रायर में बोलती है कि ये रैक्स का जैसा लगता है, दैट इज चुहावा। एंड वे और बाकी कुछ भी नहीं जाती, बट दिस प्लेस इज अमेजिंग। इतना परफेक्ट बनाया है ना शोमिक, जैसा वो लोग दिखाते हैं वैसा ही बनाया है। तो हाँ ऐसा अगर हम लोगों का जैसा हो ना, लाइक शोमिक कैन डू एंड यू नो ये बच्चे का प्रॉब्लम है देन वेट इज रियली लॉन्ग। तो क्योंकि राइड में ऑलरेडी चढ़ भी चुकी है। डेफिनेटली व्हेन यू कम फॉर ऑल दिस लॉन्ग ट्रिप ना बहुत अच्छा स्ट्रॉलर का ज़रूरत है। लाइक दिस वॉज अवर वेरी गुड डिसीजन जब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आएंगे, यू नो शादी में भी थॉट ऑफ गेटिंग दिस स्ट्रॉलर। ये नैनो का स्ट्रॉलर बहुत अच्छा है एंड बहुत जन पूछ रहे थे अबाउट दिस डाइपर बैग। सो दिस डाइपर बैग इज सो स्पेसियस ना, बैग ना लाइट होना चाहिए एंड इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं ना, सो यू कैन टेक ए लॉट ऑफ थिंग्स एंड इतना ज़्यादा हेवी भी नहीं लगता है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू हियर, लाइक डिज्नी यू नो द मेन जो है ना द वर्ल्ड डिज्नी जब मेन जो है आई थिंक सो वो जब सिर्फ छोटा होगा, यू नो व्हेन राय वाज 4-5 ईयर्स ओल्ड तब वो बच्चों को बहुत पसंद आता है एंड वो भी बहुत ही अच्छा है। दैट इज लाइक द हार्ट में बोलूंगी डिज्नीलैंड का है। It was good. Observation.
सो दे हैव रिक्रिएटेड द चाइनीज थिएटर ऑल्सो, जो आई थिंक सो हॉलीवुड बुलेवार्ड में है। तो अभी हम लोग आ गए हैं टॉय स्टोरी लैंड में। हॉलीवुड स्टूडियो एक्चुअली काफ़ी छोटा, इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो बस आई थिंक सो और हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। हाउ मेनी ऑफ यू आर टॉय स्टोरी फैन? मुझे टॉय स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। मुझे उडी और जैसी इतना पसंद है ना टॉय स्टोरी के, लाइक आई एम ए बिग फैन ऑफ टॉय स्टोरी। तो ये टॉय स्टोरी लैंड में एवरी थिंग लाइक लाइन इज फॉर एक घंटा दो घंटा का लाइन है, एंड लाइटनिंग आवर्स भी कर सकते हैं वो, लाइक इट्स लाइक ए फास्ट पास, पर वो भी एक्चुअली काफ़ी लेट लेट है। तो एंड इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सो रात में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। एंड आपको अगर फुल सारे राइड्स करने हैं ना, एटलीस्ट मैं बोलूँगी यू हैव टू स्टे देयर फॉर 12 आवर्स, पर हम लोग का और हो गया था। तो अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं हॉलीवुड स्टूडियो से। ये जो गंडोला राइड है ना, ये ऐसा चाहे तो कोई भी कर सकता है। यू कैन गो एंड ये ना आपको डिज्नी रिसोर्ट में लेके जाएगा। देन अगेन यू नो इफ यू वांट यू कैन कम बैक। एंड अभी हम लोग का ट्रक ढूंढ रहे हैं। आज मैंने सुबह ना शॉपिंग को बोला, शॉपिंग में थोड़ा ड्राइव लाइक आई एम टू बैक एंड सी, क्योंकि इतना बड़ा कार ना मैंने कभी भी नहीं चलाया है। तो द फन पार्ट वाज कि मैं उठ ही नहीं पाई ड्राइवर की सीट में, क्योंकि फॉर दिस लाइन यू हैव टू पे $50, नहीं तो ऐसा $25 है। बट दैट टाइम इट वॉज रेनिंग सो मच एंड स्पेशली फॉर सिद्ध वी केम, हम लोग यहाँ पे रखे तो यहाँ पे बहुत ही कम कार है। Like people are coming now, you know you can hop on hop off up एक साथ में, you can do all the parks also together, and ये रात में काफ़ी अच्छा लगेगा। yeah, पहुँच गए हम लोग के ट्रक के पास। एंड बहुत दिन हो गया मैंने आप सबको टाइम नहीं दिखाया, सो द टाइम इज 6:15। तो हम लोगों ने ना ये रूम शिफ्ट कर दिया, यू नो वी नीड किचन, जैसे किसी सीट के लिए मैंने सब कुछ स्टेरिलाइज भी कर लिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज ओ माय गॉड व्हेनेवर यू कम ना, मुझे इतना हंसी आ रहा था ना। एंड यहाँ पे शिव जो खेल रहा है, एंड लाइक क्या बोलूँ, मुझे इतना हंसी आ रहा था ना कि हम लोगों के पास ये सब कुछ है। वी हैव जैकेट एंड मैं अपने बूट एंड ऑल सब लेके आ गई थी, एंड जर्सी मैं ऐसा ड्रेस पहन के मैं गई, मुझे लगा नहीं यू नो बहुत गर्मी होगा एंड ऑल दैट। एंड फिर गॉड जस्ट इमेजिन यार, दिस वन इज $89 का मैंने खरीदा, राय ने भी खरीदा, फुल ऐसा लगता है ना वेस्ट ऑफ मनी। तो राय भी थोड़ी बड़ी हो गई है ना, शी कैन अंडरस्टैंड, शी इज लाइक मम्मी वी वॉन्ट बाई एनीथिंग फ्रॉम डिज्नीलैंड, उसने कुछ भी नहीं खरीदा। फिर एंड सी यहाँ से, बट द व्यू इज रियली गुड। वो सामने जब पहले का रूम पर का ना व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वेट आई विल शो यू ऑल द व्यू। एंड अभी शौमिक एंड राय दोनों गए हैं 7-Eleven में पानी लाने, बिकॉज यहाँ पे ना एक एक बोतल दे चार्ज अराउंड कितना, आई थिंक सो $3-4 वो लोग चार्ज, $3 वो लोग चार्ज करते हैं। तो पानी लाने गए हैं, एंड इंडियन एक रेस्टोरेंट से हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बिकॉज यार जितना भी हो जाए या जो भी बोलो या सभी का एक आदत होता है यार, आई कैंट लीव विदाउट राइस, मुझे दाल चावल हो एक टाइम दे दो, कुछ इतना अच्छा नहीं चाहिए, कुछ होने से ही हुआ बट आई नीड इट। रियली बहुत दिनों के बाद इंडियन फूड। फिर ये है समथिंग था, ये कलमी शाही समथिंग कोई कबाब है, एंड बहुत ही केओटिक सिचुएशन चल रहा है। एंड दिस इज गोट करी। तो आज का दिन जैसा ही स्टार्ट हुआ बट इज एंडिंग ऑन ए गुड नोट, क्योंकि खाना बहुत अच्छा था। एंड मैं आई थिंक सो आफ्टर 2 डेज में इंडियन फूड खा रही हूँ, यू नो एक टाइम दाल चावल बस दिस विल मेक मी हैप्पी। एंड ये खाना एक्चुअली बहुत टेस्टी था।
अभी हम लोग लॉन्ड्री में जा रहे हैं। कहाँ पड़ रहा है बोले, मेरा पिंपल हो गया होगा ये नाक में, होगा ये हो, और क्या कर सकते हैं जो भी हो, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हो गया है। पहले जब मैं ये सब करती थी ना, मैं अकेली अकेली जाती थी लॉन्ड्री रूम में, बट हाँ अभी कहीं पे घूमने जाओ आई हैव अ फ्रेंड, यू नो राय हर वक्त मेरे साथ रहती है। एंड जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है ना, ये छोटा ट्रेवल साइज पैक में मिलता है, तो ये मैं खरीद के ही लाई थी। फिर हम लोगों को लगा चलो जब तक कपड़ा वॉश होता है, क्योंकि वॉश के बाद फिर हम लोग को ड्रायर में भी देना होगा, लेट्स स्टे डाउन एंड थोड़ा ऐसे गप्पे मारते हैं। तो हम लोगों का कपड़ा ड्राई भी हो चुका है, तो अभी लाने जा रहे हैं। तो इसलिए ना हर वक्त मैं जब ट्रैवल करती हूँ आई यू नो कैरी सम गार्बेज बैग, या नॉट बहुत ही यूज़फुल होता है। एंड अगर कपड़ा बाई चांस ना कुछ देना हो, तो कुछ ना कुछ तो कपड़ा रहेगा ही गंदा, देन वी कैन टेक इट। एंड हाँ डेफिनेटली मैं बोलूँगी हॉलीवुड स्टूडियो इज़ गुड, जैसे मैंने बोला अगर आपने वो मेन डिज्नी देखा है, डिज्नी वर्ल्ड देखा है, देन यू नो यू कैन गो टू हॉलीवुड स्टूडियो। बट डेफिनेटली अगर कोई स्टार वॉर्स के फैन हो, राय के जैसे शॉमिक के जैसे, व्हाट यू थिंक दे शुड गो टू हॉलीवुड स्टूडियो स्पेशली फॉर द स्टार वॉर्स लैंड। वो बहुत अमेजिंग बनाया है। ठीक है, बहुत कुछ राय ने और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है, बट ओवरऑल इट वॉज गुड यू नो। सिद्धि को लेकर, सिद्ध को लेकर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं थे, वी वर देयर ओनली फॉर 5 आवर्स। बट हाँ अगर आपको ना अभी लाइन में जल्दी जल्दी यू वॉन्ट टू एंटर, वट वॉज दैट कॉल माई फास्ट, वट लाइन समथिंग, वो फास्ट पास के जैसा है, तो उससे ना जल्दी हो जाएगा, नहीं तो अभी ना बहुत टाइम लग समथिंग ऐसा कुछ था। बट ओवरऑल इट वॉज रियली गुड। तो चलिए वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा वो शादी का आएगा। तो विथ दिस बाय बाय।